फैक्ट शेयर पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी। उस गांव में लड़कियां शादी करने के लिए तरसती हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़का या आदमी नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी दुनिया अजीबोगरीब कहानी और किस्सों से भरी पड़ी है। हर रोज हम देखते हैं एक नए रिवाज को, एक अनोखी परंपरा को, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे गाँव के बारे में सुना है जहाँ लड़कियों को शादी के लिए तरसना पड़ जाता है? इस गाँव में बहुत ही सुंदर लड़कियाँ रहती है, लेकिन इन युवतियों को लड़के शादी करने के लिए मिलते ही नहीं। दोस्तों, इस गांव में पुरुष तो है ही नहीं और यहां की लड़कियां शादी को तरसती हैं। मैं जिस गांव की बात कर रही हूं, उसका नाम है नोइवा दो कोर्डियारो और ये टाउन ब्राजील देश में आता है। दोस्तों, ब्राजील के इस गांव में 18 साल से लेकर 30 साल की अविवाहित लड़कियों की संख्या काफी अधिक है। इस गाँव में लगभग 600 महिलाएं रहती है, जिनमें से 300 लड़कियों की शादी लड़के न मिल पाने के कारण हो ही नहीं रही है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गांव में लड़के नहीं हैं, तो क्या शहरों में ये लड़कियां शादी नहीं कर सकती? तो इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। सन 1891 में मारिया नाम की एक सुंदर लड़की को एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह प्यार नहीं करती थी। इसीलिए शादी के बाद जब मारिया को जब उस आदमी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसने उस आदमी से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन उस समय में महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाना समाज को बिल्कुल स्वीकार नहीं था, जिसके बाद मारिया को पीड़ित करके घर से निकाल दिया गया। जिसके बाद मारिया चलते चलते नोइवा दो कोर्डियारो गांव में पहुंची, जहां उसने कुछ समय बाद ऐसे समाज का गठन किया जहां महिलाएं खुद नियम बनाती, खुद की अलग पहचान, परंपरा और जहां सिर्फ महिलाओं की ही बात मानी जाती। इसके अलावा इस गांव के बारे में एक और किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि एक आदमी ने जिसका नाम अंसियो परेरा था, उसने एक छोटी लड़की से शादी की जो सिर्फ 15 साल की थी। उसके बाल लंबे थे, उस लड़की को संगीत सुनना पसंद था, लेकिन ये सब परेरा को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस कारण उसने उस लड़की को ये सब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लड़की नहीं मानी। जिसके बाद उस लड़की पर उसने अत्याचार करे और पूरे गांव में महिलाओं के शराब पीने, लंबे बाल रखने, संगीत सुनने, यहाँ तक कि कुंवारी लड़कों से बात करने पर भी रोक लगा दी, क्योंकि परेरा इस गाँव का मुखिया था, तो सबको ये बात माननी पड़ी। अब यहाँ की लड़कियों और महिलाओं का जीवन काफी परेशानियों से बीत रहा था, लेकिन कुछ साल बाद परेरा को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई। परेरा की मौत के बाद सभी महिलाओं ने फैसला किया कि किसी भी पुरुष को उनके जीवन और भाग्य का फैसला नहीं करने दिया जाएगा। तभी से इस गांव में महिलाओं का राज है। अगर कोई पुरुष या लड़का इस गांव की लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसके लिए उसे 3 बातों को मानना पड़ेगा, तभी वह इस गांव की लड़की से शादी कर पाएगा। वो 3 शर्तें हैं: पत्नी के साथ खाना बनवाना होगा, बर्तन धुलवाने होंगे और शौचालय की सफाई करनी होगी, तभी लड़का इस गांव की लड़की से शादी करने योग्य कहलाएगा। नोइवा दो कोर्डियारो गाँव की महिलाओं का मानना है कि जो पुरुष यह सब काम कर सकता है, असल में वही असली आदमी है, क्योंकि उसके अंदर पुरुष प्रधान वाले भाव नहीं रहते, जिससे हमेशा पति और पत्नी मिलकर हर काम को साथ में करते हैं। यही कारण है बाहरी आदमी जल्दी से इस गांव में शादी नहीं करते। वहीं थोड़े बहुत जो इस गांव में लड़के रहते थे, वह भी कमाने के लिए दूसरे शहरों में चले गए और यहाँ की लड़कियों को इसी वजह से शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। इसके अलावा दोस्तों, इस गाँव की महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये महिलाएं खुद खेती करती हैं, सब्जियों को और फलों को बाजारों में खुद बेचती हैं, घर से लेकर सारा व्यापार ये खुद ही संभालती हैं। अपने जीवन के सारे फैसले बिना पुरुष की सहायता के ये लेने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँचे। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।